हेलो फ्रेंड्स, ये एडेनियम प्लांट आप देख रहे हैं। मैंने इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद इसे एक सप्ताह अपने पास ठंडे जगह पे, जहाँ धूप ना लगे, वहाँ रखा। आप देख सकते हैं और काफ़ी ड्राई हो चुके हैं। लेकिन ये प्लांट ऐसा है कि आप इसे 10 दिन 20 दिन भी अपने पास रखें तो ये इसके अंदर जो ये जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ ये अपना फूड स्टोरेज रखता है ये सब में, तो इससे ये अपना काम चलाते जाता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि जब आप इसे फिर रीप्लांटेशन करते हैं तो ये काफ़ी ज़ोरों से अपना फूड लेना चालू करता है। उससे प्लांट का ग्रोथ काफ़ी होता है, फ्लावर पत्ती काफ़ी आते हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि रीप्लांटेशन और मिट्टी तैयार करने सिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि एकदम ड्राई हो चुका है ये। हाँ, अब आप देखें, ये रहा सॉइल जिसे हमने काफ़ी अच्छी तरीके से बारीक कर लिया, गूढ़ा कर लिया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा ईंटे का चूर और ये है, आप जानते हैं, कंपोज। और ये रहा सैंड, सी सैंड। अब इसे हम लोग मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमने लिया सैंड, इसमें फिर हम इसे ईंटे के चूर को मिक्स करते हैं। ईंटे के चूर को लिया और इसी में आपको कंपोस्ट मिक्स कीजिए और ये हो गया एक भाग, और इसी के लगभग चार भाग सॉइल हम यूज करेंगे। चार भाग या पांच भाग आप सॉइल यूज़ कर सकते हैं, तो ये लगभग पांच भाग सॉइल है। इसे मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अब देख रहे हैं, बढ़िया से इसे मिक्स कर लें। सैंड का क्या रोल है कि आपकी मिट्टी जो है टाइट हो जाती है, सैंड उसे टाइट नहीं होने देगा। तो क्या होगा, मिट्टी में रूट जो है आराम से बढ़ पाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, इसके रूट को जितना आप मोटा कर सके उतना इसकी ब्यूटी बढ़ती है। इस तरह से आप मिक्स कर ले। आप देख रहे हैं हमने इसे मिक्स कर दिया, इस सॉइल का प्रिपरेशन हो गया। ये देखिए, सॉइल प्रिपरेशन हो गया। अब मैं इसे रिपोर्टिंग करूंगा, आपको दिखाता हूँ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें एक होल है और इस होल को आप ईंटे के टुकड़े से कवर कर दें इस तरह से। उसके बाद इसमें थोड़ा सैंड डाल दें। सैंड डालने से क्या होगा कि वाटर जो है फ्रीली पास आउट हो जाएगा। इस तरह से सैंड डाल दें। ये देख सकते हैं। इसके बाद आप इसमें मिट्टी डालिए। आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको वेलचा बनाया मिट्टी, इसके लिए बॉटल कटिंग करके। आप भी बना सकते हैं इजली। और इस तरह से आप इसमें मिट्टी डालें। यह हमारा मिट्टी डला गया। इस मिट्टी को डालने के बाद इसमें हम
इसे रिप्लांटेशन करेंगे। इस तरह से इसे बैठा लें, आप देख सकते हैं, इस तरह से इसे बैठा लें और इसे फिलिंग करना चालू करें। इस तरह से इसे फिलिंग कर लें। पहले इतना था तो इसीलिए इसे अब थोड़ा सा मिट्टी निकाल दें, क्योंकि इसके रूट को मोटा करने के लिए थोड़ा जितना डाउन करेंगे हम उतना बेहतरीन होगा। पहले इतना लगा हुआ था और देख सकते हैं इतना थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, उससे क्या होगा आपका रूट जो है अच्छा जनरेट हो पाएगा और मिट्टी जितने कम रहेंगे तो रूट उतना चौड़ा होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लगा दिया। अब इसमें खाली वाटरिंग करना है फ्रेंड्स। वाटरिंग करने के बाद इसे छोड़ दें, ये अपने आप ही ग्रोथ करेगा। ओके, दो महीने बाद देखिए एडेनियम का कंडीशन। ये देखिए जो एडेनियम मैंने रिपोर्टिंग किया था उसका कंडीशन देखिए, वेल डेवलप्ड है। नाइट का सीन है, थोड़ा व्यू में आपको तकलीफ होगा देखने में, पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए फ्लावर्स एंड कंडीशंस, फ्लावर्स कितने सुंदर आए हैं।